कभी कभी ऐसा होता है कुछ हटके खाने का मन करता है और कुछ नया ही बनाने का मन करता है। तो आज हम आलू का नाश्ता बनाएंगे, जो आप देख सकते हैं कि कुछ अलग तरीके से बना हुआ है और बहुत ही आसान तरीका है बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर हमने आलू लिया है, ये कच्चा आलू है। इस आलू को हमने छील लिया है और यहाँ पर हमने चिप्स कटर लिया है। चिप्स कटर पर इस तरीके से आलू को हमने चिप्स की तरह काटना है। एक आलू को हमने चिप्स को काट लिया है, आप देख सकते हैं। जो छोटे वाले आलू हैं उसको हम चुन करके हटा देते हैं, क्योंकि छोटे वाले आलू का काम यहाँ पर नहीं है। तो जो भी छोटे छोटे आलू हैं उसे हमने चुन लिया है, अब इसे हम हटा देते हैं और बड़े वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसी की हमें ज़रूरत है। एक आलू का चिप्स हमने काट लिया है, अब दूसरे आलू का चिप्स हम काटते हैं। तो पहले इसे हम दो भागों में कर लेते हैं आलू को, तब ये काटने में और भी आसानी हो जाती है। तो इसे हम चिप्स की तरह काट लेते हैं, जितना छोटा बच जाता है उसको हम हटा लेते हैं। तो हमने दोनों आलूओं को काट लिया है और छोटे वाले भाग को हम हटा लिए हैं। अब इस आलू को हम अच्छे से धो लेते हैं, ताकि जो भी इसका स्टार्च है वो निकल जाएगा। आलू को हमने अच्छे से धो लिया है, अब आती है इसे फोल्ड करने की बारी। तो जितना आप पतला काटिएगा उतना ही ये अच्छे से फोल्ड होगा। यहाँ पर हमने टूथपिक लिया है, ये बड़े साइज का है। तो आलू को इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें टूथपिक में घुसाना है। एक आलू को हमें सीधा रखना है और दूसरे को उसी के अपोजिट रखना है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें फोल्ड करके टूथपिक में घुसा देना है। जितने भी टूथपिक में आ जाए उतना हम घुसा देते हैं। आगे और पीछे वाले भाग को छोड़ देंगे और बीच में आलू को छोड़ देते हैं घुसा करके। तो आप देख सकते हैं आगे और पीछे हमने का भाग छोड़ दिया है, सारे आलूओं को हमने बना करके तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं मसाले की तैयारी करने। तो यहाँ पर एक बर्तन में हम कुछ मसाले ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चिल्ली फ्लेक्स ले लेते हैं और यहाँ पर हम काली मिर्च पाउडर लिए हैं, आप कूट के भी ले सकते हैं, जीरा पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक ले लेते हैं। और यहाँ पर हम ओरिगैनो लिए हैं और यहाँ पर हम चार चम्मच कॉर्नफ्लोर लिए हैं, आप मैदा भी ले सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे हमें चम्मच से हिलाना है। ज़्यादा पानी डाल देने पर गुठलियाँ बन जाती है, इसलिए सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल करके इसका हम एक पतला घोल तैयार कर लिए हैं। तो अच्छे से हमने घोल को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लेक्स लिया है, इस कॉर्नफ्लेक्स को हाथों से इस तरीके से हम मुट्ठी बांधते हुए इसका हम चूड़ा बना लेते हैं, बिल्कुल इस तरीके से, ताकि जो बड़े बड़े कॉर्नफ्लेक्स है वो थोड़ा छोटे छोटे साइज में हो जाए। तो सभी कॉर्नफ्लेक्स को हमने चूड़ा बना लिया है। टूथपिक में जो हमने आलू घुसा करके रखा है उस पर अब हम घोल डालते हैं। चम्मच की सहायता से इस तरीके से हम घोल डाल देते हैं, ताकि चारों तरफ से अच्छे से घोल जो है अच्छे से कोट हो जाए। तो सभी को कोट करने के बाद इसे हम इसी बर्तन पर रख देते हैं, ताकि जो भी एक्स्ट्रा घोल है वो वापस उसी बर्तन में चला जाए। तो इसी तरीके से बाकी जो हमने आलू भी तैयार करके रखे हैं उसे हम कोट कर लेंगे। सभी को अच्छे से हमने घोल से कोट कर लिया है, जो भी एक्स्ट्रा घोल रहेगा वो वापस बर्तन में गिर जाएगा। तो अब हम एक एक करके क्या करेंगे कि जो कॉर्नफ्लेक्स है जो हमने चूरा बना के रखा है उसे हम इस तरीके से उस पर डालते रहेंगे, ताकि अच्छे से कॉर्नफ्लेक्स जो है चिपक जाएगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा बर्तन में। तो सभी को हम इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे। कॉर्नफ्लेक्स से बहुत ही क्रिस्पी लगता है यह नाश्ता। तो इसी तरीके से हम सारे आलूओं को कोट कर लेंगे कॉर्नफ्लेक्स से। तो हमने सभी आलूओं को कोट करके तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब आती है तलने की बारी। तो कढ़ाई में हमने तेल को गरम कर लिया है, अच्छे से गरम हो गया है। तो इसमें हम एक एक करके डाल देते हैं, जितना कि कढ़ाई में आ जाए। तो हमने सबसे पहले दो ही डाला है और इसे हम अलट पलट करके सेक लेंगे। चारों तरफ से अलट पलट करके इसे हम तेल में फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम रखिएगा, तभी ये क्रिस्पी होगा। हाई करने पे ये सॉफ्ट रहता है।
क्रिस्पी करना हो तो मीडियम टू लो के बीच में रख लीजिए, बहुत ही क्रिस्पी होगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बिल्कुल अलग तरीका है बनाने में, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये आलू का नाश्ता कैसा बना है। तो सभी आलूओं को इसी तरीके से हम फ्राई करके निकाल लेंगे। देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में ये कितना टेस्टी लगेगा। तो सभी आलू को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।